रणदीप हुड्डा की फिल्म वीर सावरकर 22 मार्च को रिलीज होने जा रही है। इधर कांग्रेस ने चुनाव आचार संहिता का हवाला देते हुए फिल्म के रिलीज से पहले विरोध शुरू कर दिया है। कांग्रेस का आरोप है कि ये फिल्म देश में अराजकता फैलाने की साजिश के अंतर्गत महात्मा गांधी की हत्या और हिंसा को सही साबित करने वाली है। इस फिल्म के जरिए चुनाव में अहिंसा के प्रति नफरत का प्रचार होगा, लिहाजा लोकसभा चुनाव सम्पन्न होने तक इस फिल्म को प्रतिबंधित किया जाए। कांग्रेस नेता राकेश सिंह यादव ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से संज्ञान लेने का अनुरोध किया है। उन्होंने अपनी शिकायत भेजी है आयोग को और चीफ जस्टिस को पत्र लिखा है, चुनाव आयोग को शिकायत की है कि वीर सावरकर मूवी जो साजिश के तहत परसों रिलीज की जा रही है, उसके टीजर में जो रिलीज हुआ है उसमें साफ तौर पर यह बोला गया है कि उन्हें गांधी से नहीं लेकिन अहिंसा से नफरत है। ये वही बात हो गई कि श्रीराम से नहीं लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम से नफरत है। इसका साफ मतलब है कि देश में नफरत फैलाना है, वोटों का पोलराइजेशन करना है और कहीं ना कहीं महात्मा गांधी के नाम को समाप्त करना है। ये एक ऐसी विचारधारा है जो देश को तहस नहस करना चाहती है। वीर सावरकर क्या है ये इतिहास में दर्ज है, वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन महात्मा गांधी को इस तरीके से अपमानित करना ये देश कभी स्वीकार नहीं करेगा। और आदर्श आचार संहिता लगी है, ऐसे समय इस तरह की फिल्म लाना और सुनियोजित षड्यंत्र करना देश में अस्थिरता पैदा करने का अंदेशा है। 22 मार्च को रणदीप हुड्डा की फिल्म वीर सावरकर रिलीज होने जा रही है, जिसके टीजर में ही वीर सावरकर को अहिंसा विरोधी दर्शाया गया है। कांग्रेस का आरोप है कि लोकसभा चुनाव के पहले महात्मा गांधी की हत्या और हिंसा को सही साबित करने और अहिंसा से नफरत दिखाने वाली फिल्म से देश में अराजकता पैदा हो सकती है। इसके चलते फिल्म को लोकसभा चुनाव सम्पन्न होने तक प्रतिबंधित किया जाए। प्रदेश कांग्रेस महासचिव राकेश सिंह यादव ने फिल्म वीर सावरकर को लोकसभा चुनाव सम्पन्न होने तक प्रतिबंधित करने के लिए चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को शिकायत भेजी है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी महासचिव ने कहा है कि इस फिल्म का रिलीज होना ही आदर्श आचार संहिता का खुला उल्लंघन है। नतीजन फिल्म पर चुनाव आयोग को तत्काल प्रतिबंध लगाना चाहिए। वर्तमान लोकसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता का पालन कराने के लिए इतिहास के गलत तथ्यों और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपमानित करके देश में अराजकता का माहौल बनाने के उद्देश्य से फिल्म रिलीज करना आदर्श आचार संहिता का खुला उल्लंघन है। शिकायत पत्र के साथ फिल्म के टीजर की वायरल लिंक भी है, जिसमें स्पष्ट तौर पर बोला गया है कि वीर सावरकर को अहिंसा में विश्वास नहीं है, गांधी से नहीं अहिंसा से नफरत है। इसका साफ अर्थ है कि कांग्रेस से ही नफरत है और हिंसा में विश्वास है। कांग्रेस का ये भी कहना है कि इस फिल्म का सीधा उद्देश्य महात्मा गांधी की हत्या और हिंसा को सही साबित करना है।